नमस्कार, मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं स्नेहसागर एजुकेशन वर्ल्ड। आज का ये जो वीडियो है एक टेस्टिमोनियल है कि किस तरह से स्नेहसागर एजुकेशन वर्ल्ड में जुड़ने के बाद इनके लाइफ में चेंज आया। तो आज हमारे साथ होंगे नासिक महाराष्ट्र से हमारे नाम राशि सागर भोसले जी। सागर जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। ओके, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि जब से आप स्नेहसागर एजुकेशन वर्ल्ड से जुड़े हो, तब से क्या चेंज आपके लाइफ में आया है? सर एक्चुअली अभी 5-6 महीने हुए होंगे जब से मैं आपके साथ जुड़ा हूँ। स्नेह सागर जी एजुकेशन वर्ल्ड से आपने जी मुझे मेडिटेशन के वीडियोस दिए, मेडिटेशन की कुछ गाइडलाइंस की आपने। उसके पहले मैं एनजाइटी में था, डेथ फेयर एनजाइटी। ओके मुझे मतलब मैं इतना 100% श्योर मैं ऐसा मान के चल रहा था कि अभी मैं जिंदा नहीं रहूंगा ज्यादा दिन। बहुत मेरा डेंजर सिचुएशन था। वैसे मैंने अच्छे अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट ली, मेडिसिन ली, सब करके देखा, कुछ फायदा नहीं हुआ और मैं वही टेंशन में रहता था। डेथ फेयर एंजाइटी के टेंशन में रहता था। फिर फेसबुक पे आपका ये देखा, पेज देखा, पेज पे फॉलो करके आपको ज्वाइन किया और जब से स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में पहले 15 दिन महीने तक तो मुझे कुछ ही नहीं, चेंज नहीं नजर आए। लेकिन जब से मैं उसमें अंदर जाता चला गया, मेरे पास वो मेडिटेशन की प्रैक्टिस होती रही, वैसे मेरे में चेंज आने लगे अपने आप। अभी फिर उसके बाद कंटिन्यू किया तो फिलहाल अभी तो बहुत सारा चेंज हो चुका है। मतलब वो जो फेयर थी वो तो मेरे में अभी रही नहीं। सभी बारे में कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया और जो फेयर थी वो निकल गई, सबसे बड़ी बात होती। तो अभी और आपकी उसके जो लिए मैं आपका सर दिल से थैंक्स थैंक्स अदा करना चाहूंगा। वेलकम वेलकम, नहीं देखिए, इसमें मेहनत आपकी है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं सिर्फ गाइडलाइन दे सकता हूँ, आपको हेल्प कर सकता हूँ, और जो चेंज है वो खुद खुद के अंदर से लेके आना पड़ता है। उसके लिए खुद थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। वो आपने वो मेहनत की, आपने टाइम दिया पंक्चुअलिटी के साथ और डेडिकेशन के साथ। जब आपने मेडिटेशन किया तो डेफिनेटली चेंज तो आता है, क्योंकि जो पावर है वो हमारे अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट है। ऊपर वाले ने सबको भेजा है, यस सर, भेजे के साथ भेजा है, और उस भेजे में बहुत कुछ भेजा है। तो जितना हम इसे इस्तेमाल कर पाते हैं उस पावर को, उतना हम अपनी लाइफ में, जिसे कहते हैं कि मिरेकल क्रिएट कर सकते हैं। तो यस सर, अभी यस सर। आपकी फिजिकल कंडीशन क्या है और मेंटल कंडीशन क्या है? सर अभी मैं आपको बताऊँ, आप भरोसा करेंगे या नहीं पता नहीं मेरे को, लेकिन गए 3 सालों से जब से ये कोरोना स्टार्ट हुआ सर हुआ था, तब से मैं डेथ फेयर एंजाइटी में था। तब से मेरा 74 kg से वेट लेस होता रहा और लेस होते 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 62 kg पर आया जब से मैंने आपका क्लास ज्वाइन किया है। पहली बार मेरा वेट गेन होना शुरू हुआ और अभी 69 kg मेरा वेट हुआ है। और उसके बाद मेंटल कंडीशन तो मेरी बहुत नॉर्मल हो गई है। अभी कुछ ऐसा डर जो था वो निकल गया है दिल से, कॉन्फिडेंस भी बढ़ा, सब ठीक है। अभी फिलहाल मैं जब मैं वो एंजाइटी में था तब तो फिजिकल वीकनेस बहुत सारी प्रॉब्लम थी, बहुत अनलिमिटेड अनकाउंटेबल, लेकिन अभी फिलहाल उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी क्योर हो गए। गुड। तो जैसे आप कह रहे हैं कि आप जीने की उम्मीद तक छोड़ चुके थे, आपको लग रहा था कि अब 100% 100% सर। इतना इतना डीप में चले गए थे आप। सर आपको बताओ, मुझे घर बनवाना था, हमको हमारा घर बनवाना था, दोनों भाई हम, तो मैंने घर बनवाते वक्त घर वालों को बोला था कि दोनों को हिसाब से मत बना, एक ही के हिसाब से बना। मतलब इतना कुछ डीप में चला गया था। इतना क्लियर हो गया था कि अब मरना ही यस यस यस। है। तो अभी अब क्या सोचते हैं जिंदगी के बारे में? अभी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया, कुछ सपने, कुछ प्लान से अभी फिर से जैसी लाइफ थी पुरानी वैसी स्टार्ट हो गई, एनजीटी के पहले गुड जो लाइफ थी वो। गुड। अगर सर आपको लगता है कि स्कूल टाइम में ही अगर आपको ये जो मेडिटेशन है, स्पिरिचुअलिटी है, इसके बारे में अगर पता होता, तब हमें ये ज्ञान दिया गया होता, ये बताया गया होता, तो आपको क्या लगता है कि लाइफ में कितना चेंज आ सकता? 100% सर, लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आता अगर उसी टाइम से। ये जो एंजाइटी होता है, एंजाइटी मतलब
हमारा माइंड, हमारी थिंकिंग, और वो अगर उसी वक्त में वो कंट्रोल होती तो पॉजिटिव वे मिलता और आज अच्छी जगह पर काफी सेट होता माइंड। चलिए, तो अब आपको ये कॉन्फिडेंस है कि अब आपकी जो लाइफ है वो बेटर रहेगी, परिस्थितियां कैसे भी आएगी तो आपकी अपने जो स्वास्थ्य स्थिति है उसे आप मेंटेन कर सकते हैं। 100% सर, 100%। एंड गुड, नाउ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप यस हमारे सर। जो युवा वर्ग है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो अब युवा वर्ग को यही संदेश देना चाहूंगा कि आपकी मेंटल हेल्थ ही सभी आपके फिजिकल हेल्थ की भी वजह, आपके सक्सेस की भी वजह, आपका जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन लाइफ है, सब आपके माइंड सेट पे डिपेंड है। तो हर किसी ने ये मेंटल हेल्थ पे कंसंट्रेट करना चाहिए। हर किसी ने मेडिटेशन को थोड़ा वक्त देना बहुत जरूरी है। आजकल बहुत सारे, मतलब मैं अकेला हूँ ऐसी कोई नहीं, जी ऐसी कोई जी बात नहीं है। बहुत सारे यंग जनरेशन जो है वो अभी सभी डिप्रेशन में, डिप्रेशन। मैक्सिमम डिप्रेशन में है, तो उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत यूजफुल ट्रीटमेंट रहेगा जी मेडिटेशन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो आप कह रहे यंग, यंग तो बहुत आगे की स्टेज होती है, क्योंकि यंग स्टेज जब तक इंसान यंग हो जाता है तब तक उसके पास सोचने के बहुत से रीजंस होते हैं, टेंशन लेने के बहुत से रीजन होते हैं। आजकल तो ये देखा गया कि छोटे छोटे बच्चों के अंदर एंग्जाइटी शुरू हो गई है, पेरेंट्स को पता भी नहीं यस है सर, कि उनके बच्चे जो है वो डिप्रेशन में चले गए हैं, उनके अंदर उसकी वजह से चिड़चिड़ापन आता है, उनके अंदर बहुत से हार्मोनल चेंज होते हैं, माइंड उनका चेंज होता है, इवन की पेरेंट्स समझ भी नहीं पाते हैं। तो मैं सभी से यही कहता हूँ कि मेडिटेशन सीखना, आध्यात्मिक होना, धार्मिक होने एक अलग चीज है, आध्यात्मिक होना बहुत जरूरी होता है ताकि हम अपने आप को जान सके, अपने इनर पोटेंशियल को हम समझ सके और अपनी लाइफ को बेटर बना सके। 100% सर, आई एग्री विथ योर सेंटिमेंट। जी चलिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, और आपने समय निकाला, और दूसरी बात है कि आपने मेडिटेशन को अपनी लाइफ का एक हिस्सा बनाया, आपने अपने जिंदगी में मेडिटेशन को एक स्थान दिया, आपने इस चीज को समझा कि मेडिटेशन करके सही मायने में हम अपने आप को मेंटली स्टेबल रख सकते हैं, फिजिकली हेल्दी रख सकते हैं, और लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, इसी तरह 100%। आप लगातार मेडिटेशन करते रहें और अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहें। थैंक यू वेरी मच। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सो मच।